तो तीसरे मरहले में अब हमें ये कह रहा है कि इसका आउटपुट कुछ इस तरह से डिफरेंट नंबर्स में आएगा, ठीक है, ओके आ गया। इफ यू विश टू लिमिट, अभी आगे समझा रहा है, इफ यू विश टू लिमिट रेंज ऑफ द रेंडम नंबर यूज द फॉलोइंग फार्मूला। कह रहा है कि अगर आप रेंडम नंबर किसी रेंज में चाहते हैं, 1 से लेके 6 में, 10 से लेके 20 में, 100 से लेके 200 में, तो इस फॉर्मूले को आपने हिफ्ज कर लेना है। फॉर्मूला क्या है कि एक वेरिएबल है वाई इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू को हमने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, और उसमें एक फंक्शन लेना है रैंड एज इट इज परसेंट मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ब्रैकेट स्टार्ट एंड ओवर मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू और प्लस वन। मैक्स एंड मिनिमम क्या है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू, 1 से लेके 10, 1 इसमें आ रहा है तो 10 इसमें आ रहा है, ठीक है, 100 से लेके 200 तो 100 इसमें आ रहा है, 200 इसमें आ रहा है। बहरहाल ये फॉर्मूला आपने याद करना है, प्लस मिन वैल्यू। तो इससे क्या होगा, रेंडम नंबर जनरेट होगा लेकिन वो एक रेंज के दरमियान में होगा, 100 से 200 के दरमियान में होगा, 1 से 6 के दरमियान में होगा, 1 से 10 के दरमियान में होगा। अच्छा कह रहा है, इन दिस फॉर्मूला मीन वैल्यू लोएस्ट नंबर रेंज एंड मैक्स वैल्यू इज द हाईएस्ट नंबर रेंज। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग कोड असाइन द रेंडम नंबर इन द 1 to 100। 1 to 100 के लिए बता रहा है कैसे रेंडम नंबर जनरेट करेंगे आप, कॉन्स्ट इंट मिन, ये क्या ले लिया इसने, एक कॉन्स्टेंट ले लिया मीन वैल्यू, और ये क्या ले लिया, कॉन्स्टेंट ले लिया एक मैक्स वैल्यू, इसमें एक डाल दिया, इसमें 100 डाल दिया, फिर लिखा वाई असाइनमेंट ब्रैकेट स्टार्ट एंड ओवर रेंड परसेंट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू माइनस मिन वैल्यू प्लस वन प्लस मिन वैल्यू। जैसे ये फॉर्मूला चलेगा तो 1 से लेके 100 के दरमियान में कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट होगा इस फॉर्मूले से, और वो किसके अंदर आ जाएगा, वाई के अंदर। और फिर एज अनदर एग्जांपल द कोड रैंडम नंबर इज असाइंड 100 to 200, तो सेम मेथड है 100 to 200 मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू प्लस वन प्लस मैक्स वैल्यू। यानी कि किसी भी रेंज में रैंडम नंबर जनरेट कराने का यही मेथड है, और यही मेथड आप खाली C++ में नहीं, सी में भी यूज कर लें, जावास्क्रिप्ट में रेंड फंक्शन उसके साथ भी यूज कर लें, और हो सकता है नई लैंग्वेजेस के अंदर उन्होंने कोई ऐसा फंक्शन बना दिया जो खुद ही रैंडम करता हो, तो ये कोड भी ना लिखना पड़े। लेकिन C++ में उन्होंने एक फार्मूला दिया है कि भाई ऐसे रैंडम नंबर बनवाने हैं अपनी मर्जी के एक रेंज के दरमियान में, तो ये तरीका आप यूज कर लें और बन जाएंगे वो। अभी कह रहा है कि एक प्रोग्राम, किसी टीचर ने कहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो लूडो की तर्ज का हो, जिसमें जब भी डाइस को फेंका जाए तो वो हर एक दफा नया नंबर जनरेट करे। तो उसके लिए उसने देखे iostream, cstlib, cst टाइम फाइल तीनों यूज कर ली इन्होंने, और उसके बाद क्या किया, कांस्टेंट डिक्लेयर किया 1 to 6, क्योंकि डाइस पे नंबर होता है, डाइस समझते हैं छक्का जो होता है, ठीक है, 1 वैल्यू पे रख दिया और मैक्स पे इसमें रख दिया 6 को, ठीक है। तो इसने कैसे किया, डाई 1 यानी कि 2 डाइस है इसके अंदर, एक डाई 1 का वेरिएबल ले लिया और एक डाई 2 का वेरिएबल ले लिया, बता भी रहा है कि ये 0 पहले वाले डाइस की वैल्यू को स्टोर करेगा और दूसरे वाली डाइस की। फिर कह रहा है अनसाइन, वही सेम तरीका देखें, अनसाइंड सीड टाइम 0 आर्ग्यूमेंट पास कर दिया ताकि एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा इसके अंदर, और उसके बाद कहा एस रैंड सीड, सेम मेथड, ठीक है। हाँ अब आ रहा है अगला मामला कि भाई अब 1 से लेके 6 के दरमियान में दोनों डाइस पर रैंडम नंबर कैसे जनरेट होगा, ये देखिए वही सेम कर दिया, डाई 1 वाई की जगह पे क्या ले लिया, डाई 1, आगे क्या लिखा है, रैंड मॉड्यूलस मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू प्लस 1 प्लस मिन वैल्यू। फिर आगे क्या लिखा है, डाई 2, सेम फॉर्मूला लिख दिया इसके आगे, ठीक है, और फिर दोनों की वैल्यू इसमें स्टोर और अगली लाइन पर उनका आउटपुट ले लिया। आ रही बात समझ में, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा आपका रोलिंग द डाइस में, कभी 5-2 आएगा, किसी में 4-2 आएगा, किसी में 3-1 आएगा। चले आए इसको करके देख लेते हैं भी हम, ठीक है। तो हमने आधा प्रोग्राम तो अपना बना ही रखा है, तो इसको सेवेस कर देते हैं और यहाँ पे जाके क्लास 14 रोलिंग द डाइस, रोलिंग द डाइस, ठीक है, यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला काम तो हमारा हुआ वही है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं डाई 1, ठीक है, और इनिशियल वैल्यूज की 0 कर देते हैं, और दूसरा इंटीजर ले लेते हैं डाई 2, तो डाई 2 ले लेते हैं यहाँ पे, डाई 2 ये लिखेंगे यहाँ पे, और ये आ गया था, ठीक है। बाकी अनसाइन टाइम 0 हुआ हुआ है, स्टैंड सीड हुआ हुआ है, ये भी ठीक है। और फिर यहाँ पे सी आउट में, सी आउट से पहले तो अभी हम वो लिख लेते हैं डाई 1, तो उसके लिए असाइनमेंट, और फिर उसके लिए 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर उसके अंदर लिखेंगे हम रेंड और रेंड से बंद कर देंगे, फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे परसेंट लगाएंगे यानी कि मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाएंगे, मॉड ऑपरेटर, और फिर उसके अंदर एक फॉर्मूला लिखेंगे, क्या था, हाँ अच्छा, हमने कॉन्स्टेंट डिक्लेयर नहीं किया, ऊपर कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर लेते हैं, कॉन्स्ट इंटीजर, ठीक है ना, और मिन वैल्यू कैसे लिखेंगे, मिन ऐसे लिख लेते हैं, और वैल्यू वी का कैपिटल लिख लेते हैं, मिन वैल्यू वैल्यू कैपिटल लिख लेते हैं, चले ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, वैसे मुझे ये थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है पर अब है तो चलो कर लेते हैं, 1 ऐसे लिख लिया, कॉन्स्टेंट मिन वैल्यू ले लिया, और यहाँ पे हमने कॉन्स्ट एंड मैक्स वैल्यू ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया मैक्स वैल्यू, ठीक है, उसको हमने लिख दिया यहाँ पे 6 कर दिया,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें बताइए अब जरा, मिन, ओके, मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू, ठीक है, मिन और वैल्यू, और फिर प्लस इसके अंदर ही प्लस वन कर दिया हमने यहाँ पे, इस ब्रैकेट के अंदर ही करना है प्लस वन, तो प्लस वन और ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर तो ये हो गया, और जो बाहर वाला ब्रैकेट है उसमें क्या करना है, दोबारा से प्लस करना है माइनस करना है, हाँ गया ना, ये देखो मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू प्लस वन और प्लस मिन वैल्यू, ठीक है, वो ब्रैकेट के बाद, तो मिन वैल्यू को यहां से ले लेते हैं और उसको दोबारा से यहाँ पे प्लस कर देंगे, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सही लिख लिया हमने, थोड़ा सा रीचेक कर लेते हैं, तो रेंड आ गया मॉड मैक्स वैल्यू अंडर स्क्वायर मिन वैल्यू प्लस वन, ठीक है, तो ये हमने ऐसे लिखा है मिन मैक्स वैल्यू माइनस प्लस वन और फिर ब्रैकेट को दोबारा और प्लस मिन वैल्यू, तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, डाई टू के लिए भी यही काम करना है, तो यहाँ से इसको कॉपी किया हमने सिर्फ और उसको नीचे ले जाके पेस्ट किया और यहाँ पे जाके इसको हमने डाई टू लिख दिया, ठीक है, ये हो गया आपके सामने और एंटर कर दिया हमने यहाँ पे, ओके हो गया। अब रह गई इसके आउटपुट की बात, सही है, तो आउटपुट हमारे पास बना हुआ है, तो हमने क्या करना है, सी आउट डाई वन और डाई टू को आउटपुट पे ले लेना है, तो यहाँ पर रेंट की जगह पे क्या लिख देंगे, डाई वन, ये वेरिएबल है तो ये नहीं लगेगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेम स्टेटमेंट को यहाँ से इसको कट कर देंगे और यहाँ से इसको ले लेंगे डाई टू, गलती तो मैंने कर ली है इसके ऊपर, चलो देखते हैं आउटपुट सही आ रहा है नहीं आ रहा, तो रन करते हैं प्रोग्राम को, तो यहाँ पे एक आ गया वेरी एरर, कह रहा है कॉन्स्ट वाज नॉट डिक्लेयर्ड, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, कॉन्स्ट कैपिटल में लिख दिया असल में, चक्कर ये, ठीक है, तो यहाँ पे अभी रन कर लेते हैं, कमांड तो स्मॉल लेटर्स में आएगी, बाकी आगे आप कैपिटल स्मॉल लिखते हैं, तो ये देखिए क्या दिया इस दफा इसने, 3 5 दिया, दो रैंडम में दिए इसने हमारे को और इसको यहाँ पे दे दिया हमने जाके, अब कितने दे दिए इसने, 2 6 दे दिए इसने हमें, थर्ड टाइम में रन कर रहे हैं, अब कितने दे रहा है हमें, 3 6 दे रहा है, ठीक है, ये लूडो का गेम चल रहा होता है ना वैसे काम कर रहा होता है, ठीक, तो ये है इसका असल राज जो आपने समझना है, ये फॉर्मूलाज कुछ जहन में बिठाने होंगे। अच्छा, अब हमें रैंडम नंबर एक्स की जगह 10 में जनरेट करवाने हैं, तो एक 10 लिख देंगे यहाँ पे और देखेंगे छोटा सा प्रोग्राम हमें सही, और अगर अब हमें 100 से 200 के दरमियान में करना है तो यहाँ से हम 100 और यहाँ पे क्या लिख देंगे 200, ठीक है, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक। अच्छा, अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है कि इसने बनाया है कितने डाइस का बनाया है, 2 डाइस का प्रोग्राम बनाया है, तीसरा डाइस भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे इसमें, करेंगे क्या डाई 3 इधर ऐड करेंगे, हाँ क्या करेंगे, हाँ एक तीसरा डाइस भी ऐड करना है ना हमें, हाँ 3 डाइस हो गए ना, 3 छक्कों से खेलेंगे हम, जल्दी खत्म हो जाएगा लूडो, हाँ ये सही बता रही है ना भाई, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डाई 3 वेरिएबल ऐड करेंगे, उसको 0 करेंगे, इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट करके डाई 3 कर देंगे और आउटपुट में डाई 3 ले लेंगे, मिन और मैक्स वैल्यू को थोड़ी छेड़ेंगे, तीसरा डाइस भी तो उसी पैटर्न पे आएगा ना, 1 से लेके 6 में जनरेट करेगा ना, तो वो इस तरीके से, हाँ ठीक है ना, यही बात जिसको समझ में आ गई है तो उसको ये समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आई ये बात तो उसको ये बात फिर थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, ठीक है ना, बस ये इस तरह से करेंगे हम इसको और आउटपुट में डाई 3 कर लेंगे यहाँ पे, तो वो रैंडम नंबर तो तीनों में से ही जनरेट कर लेगा ना, 1 से लेके 6 के दरमियान, ठीक है, तो ये हो गया आपका रैंडम नंबर